ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 में से 2 सीटों पर बड़ी कामयाबी हासिल करी है, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी चौथी बार हैदराबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। असदुद्दीन अवैसी 282,186 वोटों से जीते हैं। भाजपा की तरफ से डॉक्टर भगवत राव और कांग्रेस की तरफ से फिरोज अहमद को प्रत्याशी बनाया गया था। और वहीं औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को हराया है। शिवसेना और AIMIM के बीच 4,640 वोटों का अंतर है। इम्तियाज जलील को 388,200 वोट मिले हैं, जबकि शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को 308,327 वोट पड़े हैं। चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद लोकसभा सीट से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1999 में वह पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत हासिल की। ऐसे में शिवसेना ने एक बार फिर खैरे पर भरोसा जताया था। 2019 में मोदी लहर के दौरान बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। इसके अलावा बिहार में भी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। किशनगंज से अवैसी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, हालांकि अभी के रुझानों में उनका कैंडिडेट दूसरे स्थान पर चल रहा है। अवैसी ने किशनगंज सीट से अख्तारुल इमाम को उतारा था। ऐसे ही ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।